हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ पैन कार्ड कैसे बनाएं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं। आ जाएंगे तो आएंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए शो मोर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट ई ई पेन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये खुल रहा है। उसके बाद से गेट न्यू ई पेन के ऊपर आपको उसको उसे क्लिक करना है उसके ऊपर। इसके बाद से यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पे ट्रिक लगाना होगा। तो मैं ट्रिक पहले लगा दे रहा हूँ, उसके बाद से आधार नंबर अपना डाल के फिर आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आई कन्फर्म डेट के ऊपर क्लिक लगा के उसके बाद से कंटिन्यू करके उसके बाद से यहाँ फिर नीचे देखिए आई हैव रीड ऑल टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ट्रिक लगा के आपको फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो मोबाइल है उसमें ओटीपी आ जाएगा, जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा। ठीक है, तो मेरे में आ चुका है। वो ओटीपी को यहाँ पे डालना है, तो मैं डालता हूँ। अपना ओटीपी डाल के यहाँ पे फिर एक ट्रिक करके फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा, तो मैं कर देता हूँ। हो गया, ठीक है। यहाँ पे आधार का पूरा डिटेल आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे ट्रिक आया, पूरा यहाँ पे टर्म को क्लिक करके यहाँ फिर कंटिन्यू करना होगा, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी लिंक करना है तो कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल आईडी उसके लिए। उसके बाद से अपना जीमेल डाल के उसके बाद से ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद से हमारे जीमेल में ओटीपी आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, योर रिक्वेस्ट फॉर पेन हैज़ बिन सबमिट सक्सेसफुली, हो गया है। उसके बाद से आपको यहाँ से सीधे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद से फिर आपको वह यहाँ जिससे आप आए थे वैसे सेम आना है। उसके बाद से लेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद से जहाँ से आप फिर अप्लाई किए थे फर्स्ट टाइम में, जो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला इंस्टेंट पेन के ऊपर ये मारेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, गेट न्यू पेन एंड यहाँ पे देखिए चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पेन के ऊपर आपको कंटिन्यू कर देना है। वहाँ पे कंटिन्यू बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अपना आधार नंबर डाल के उससे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पेन नंबर डाल के फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग होएगा। लोडिंग होने के बाद से ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, ओटीपी को डालना। उसके बाद से फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से सब चेक करने के बाद से मैं फिर दोबारा चेक करने के लिए हमारा काम हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे बता रहे देखिए वैलिडेट योर डिटेल प्लीज चेक आफ्टर। तो यहाँ दिखा रहे थैंक यू फॉर यूजिंग ई पेन सर्विस, वे आर वैलिडेट योर डिटेल प्लीज चेक आफ्टर 1 आवर। तो मैं 1 घंटे बाद भी चेक किया तो नहीं हुआ था, मैसेज उसे नहीं आया था। फिर 2 घंटे बाद भी चेक किया तो नहीं आया था। ये मैं सब शाम के टाइम में फिल किया था, ठीक है, शाम के टाइम में 4 बजे किया था। उसके बाद से 8-9 बजे भी किया तो नहीं हुआ था। तो फिर मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में देखा तो मैसेज आ गया था। जब मैसेज आ जाएगा तो आप आएंगे फिर इसी वेबसाइट पे और आके आप चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो मैं चलिए मैसेज आ गया, फिर मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में अभी चेक कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखता आ गया है मैसेज, लेकिन आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना। तो दोस्तों देखिए, चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पेन के ऊपर आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है, कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके आधार वाले मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ चुका है,
ओटीपी डालने के बाद से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद से तो देखिए यहाँ पे अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है और यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आप आपका पूरा काम कर सकते हैं, जहाँ भी इसका जरूरत हो आप दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पैन कार्ड आ चुका है, मैं अपनी बीवी के नाम से बनाया था, मेरी बीवी का ये पैन कार्ड है। तो आप इस तरह से आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पैन कार्ड बनाने से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।